फोर से लिया गया, यानी 2.3 का बहुपद के 2.3 से लिया गया है क्वेश्चन नंबर फोर। ये क्वेश्चन नंबर फोर में पी एक्स इतना है और क्यू एक्स इतना है और आर एक्स इतना है और इसके बाद में ये फॉर्मूले के हिसाब से सेट है, इसलिए पी एक्स बराबर यहाँ दिए हुआ है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, फिर उसके बाद है बराबर जी एक्स। जी एक्स तो हमारा इसमें नहीं है तो जी एक्स का और जी एक्स ही रहेगा। फिर उसके बाद देखिए आर एक्स इसमें है, आर एक्स है और उसके बाद क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स लेते हैं। क्यू एक्स है इसका क्या है, गुन्ना है कि नहीं, ये इसमें गुन्ना है तो यहाँ पे गुन्ना डाल देंगे और एक्स माइनस क्या हो गया टू हो गया, तो यहाँ पे प्लस आर एक्स, तो आर एक्स है माइनस टू एक्स प्लस फोर, प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बराबर जी एक्स, जी एक्स अब निकल गया आपको हो गया एक्स माइनस क्या टू और यह प्लस माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये माइनस वाला अब चला आएगा बराबर के इधर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू यहाँ पे है तो प्लस टू एक्स हो जाएगा और ये माइनस फोर हो जाएगा बराबर जी एक्स है एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस यहाँ पे टू है। अब इसमें देखो जोड़ घटाव करने पड़ेंगे, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे टू एक्स है, एगो ये एक्स है, टू एक्स है और एगो ये एक्स है, मिलके क्या है एक्स हो गया, थ्री एक्स हो गया तो थ्री एक्स, और ये घट गया तो माइनस टू बराबर एक्स माइनस टू, इसलिए जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस क्या हो गया टू। एक्स माइनस टू से अब भाग करना है हमको, एक्स माइनस टू से भाग करना है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को। यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स माइनस टू से तो एक्स क्यूब है, क्या है एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर हम रख देंगे x का क्या स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा क्या x क्यूब और माइनस टू एक्स स्क्वायर, और भागा में घटाया जाता है तो ये कट गया और ये हो जाएगा आपका प्लस, तो घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम रख देते हैं माइनस एक्स, एक्स से एक्स में गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स रख दिया, एक्स एक्स में गुना होगा तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर चलाएगा, यहाँ कितना है माइनस टू है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये कट गया और ये घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस वन रख देंगे, वन से एक्स में गुना हुआ तो एक्स होगा, वन से टू में गुना होगा तो माइनस टू होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, दोनों कट जाएगा, यही आंसर है।